दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना ज़रूरी हो गया है। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है तो आपका वोटर आईडी कार्ड बंद भी हो सकता है। सो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपका वोटर आईडी कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक हुआ है या नहीं। और अगर लिंक नहीं हुआ है तो इस वीडियो में आपको वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन 2 मिनट में लिंक करने का लाइव प्रोसेस भी दिखाने वाला हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको वोटर सर्विस पोर्टल पर आना है। ये एक नए वेबसाइट को लॉन्च किया गया है जहां पर आपको वोटर आईडी कार्ड से जुड़ी कई सारे सर्विसेज दी जाती है। वैसे मैंने इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। लॉगिन करने के लिए यहां पर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए आपको यहां पर रजिस्टर करना होगा। यहां पर आपको रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे, आपको इस पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। यहां पर आप अपना एक मोबाइल नंबर देंगे, इस कैप्चा कोड को देंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके इस नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी एंटर करेंगे, अपना ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर देंगे, फिर पासवर्ड सेट करेंगे, आपका अकाउंट यहां पर बन जाएगा। और अगर सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एरर मैसेज आता है, मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो इसका मतलब ये है कि आपके इस मोबाइल नंबर से आपका अकाउंट यहां पर ऑलरेडी बना हुआ है। तो अब आपको अपना पासवर्ड फॉरवर्ड करना होगा। पासवर्ड फॉरवर्ड करने के लिए यहां पर आपको लॉगिन का बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहां पर आपको फॉरवर्ड पर क्लिक करना है, अपना उसी मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे जिसे अभी आपने एंटर किया था, फिर इस कैप्चा कोड को देकर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। फिर इस नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी एंटर करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब जो नया पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं उस नए पासवर्ड को यहां पर एंटर करेंगे, उसी पासवर्ड को दोबारा नीचे कंफर्म करेंगे, फिर रिसेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। पासवर्ड का सैंपल आपको यहां पर दिख जाएगा, ठीक इसी तरह से पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अकाउंट बनाने के बाद या पासवर्ड फॉरवर्ड करने के बाद फिर से आपको इसी नए वाले पोर्टल पर आना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको यहां पर लॉगिन पर क्लिक करना है, फिर यहां पर आप उसी मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे जिसे अभी आपने यहां पर रजिस्टर किया था या आपने फॉरवर्ड किया था, फिर पासवर्ड को एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को देकर वेरीफाई पर क्लिक करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक सिंपल सा डैशबोर्ड आ जाएगा। आपका वोटर आईडी कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, इसके स्टेटस को चेक करने के लिए आपको यहां पर फॉर्म पर क्लिक करना है। फिर नीचे आएंगे, यहां पर आपको फॉर्म 6B पर क्लिक करना है। अब यहां पर आप उस वोटर आईडी कार्ड नंबर को एंटर करेंगे जिसका आप आधार लिंक स्टेटस चेक करना चाहते हैं, फिर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अगर आपके सामने वार्निंग का मैसेज आता है, इपिक नंबर ऑलरेडी लिंक, तो इसका मतलब है कि आपका ये वोटर आईडी कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक किया हुआ है। और अगर आपका ये वोटर आईडी कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा। इस ऑनलाइन फॉर्म की मदद से आप अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस फॉर्म को भरना होगा। फॉर्म को फिल करने के लिए यहां पर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आधार कार्ड नंबर में अपना आधार कार्ड नंबर देंगे, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर अपना मोबाइल नंबर देंगे, प्लेस में अपने गांव या शहर का नाम लिखेंगे, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब इस कैप्चा कोड को देकर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने फॉर्म 6B का प्रीव्यू आएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहां पर सबमिट पर क्लिक करेंगे, फिर यस करेंगे। आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहां पर आपको एक रेफरेंस नंबर भी मिल जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद चलिए हम चेक करते हैं कि हमारा वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड से लिंक हुआ है या नहीं। इसके लिए आपको फिर से इसके होम पेज पर आना है, फॉर्म पर क्लिक करेंगे, फिर फॉर्म 6B पर क्लिक करेंगे। उसी वोटर आईडी कार्ड नंबर को हम यहां पर एंटर करते हैं जिसका अभी अभी हमने यहां पर फॉर्म सबमिट किया है, फिर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर वार्निंग का मैसेज आ गया है, इपिक नंबर ऑलरेडी लिंक। जैसा कि आपने देखा कि ये वोटर आईडी कार्ड 2 मिनट में ही आधार कार्ड से लिंक हो गया है। तो इस तरह से आप बड़े ही आसानी से अपने वोटर आईडी कार्ड आधार लिंक के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। और अगर आपका वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो उसे आप 2 मिनट में लिंक भी यहां से कर सकते हैं।